जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुल्कनैन ख़ान है फ्रॉम टॉर्नेडो स्पोर्ट्स कंपनी। आज हम लोग अपने मार्को रेडिशन डफल बैग के ऊपर आज एक रिव्यू करेंगे। पहले हम लोग इसका रिव्यू हमने नहीं बनाया, ये फ़र्स्ट टाइम इस बैग का रिव्यू होगा और ये हमारा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रनिंग आइटम्स में से भी एक है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको जल्दी से क्विक रिव्यू दे दूँ एक। अच्छा, तो ये हमारा मार्को का बैग है। देख सकते हैं इसके अंदर कि आप यहाँ पे जो है हमारे एक मार्कोर की ब्रांडिंग हुई हुई है, टॉर्नेडो स्पोर्ट्स कंपनी लिखा हुआ है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके शू की स्पेस है। अगर आपके जूते जो हैं आपको आप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अपने यहाँ पे शूज़ रख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉकेट दी हुई है, बिग पॉकेट दी हुई है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल, वॉलेट और बाकी चीज़ें अपनी इस पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। ये काफ़ी डीप पॉकेट है, तो यहाँ से फिर आपका कोई कीपिंग ग्लव हो या ग्लव्स हो या कोई और सामान हो, वॉलेट या कोई भी चीज़ हो, एक्सेसरीज हो सकती हैं, वो सारा आप यहाँ पे इस जगह पे आप फिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक हमने एक्स्ट्रा पॉकेट दी हुई है। आप ये समझें कि ये जिप है इसकी, यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से इसके अंदर हम पैड्स को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक पैड यहाँ पे फिट आ जाता है और अगर इसको आप टर्न करेंगे तो एक पैड आपका यहाँ पे फिट आ सकता है। तो इसका ये मतलब है कि एक पैड आप राइट साइड पे रख सकते हैं, एक पैड आप अपना लेफ़्ट साइड पे रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने इसका मेन कंपार्टमेंट दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना बाकी सामान जो है वो रख सकते हैं इसके अंदर। तो अब ये देखें, आपका इसके अंदर दो बैट्स की बेसिकली आपकी जगह है, आपका हेलमेट की जगह है, एक आप पैड्स का पेयर और अंदर डाल सकते हैं क्योंकि एक आपका जो एक पैड का पेयर है वो एक इस साइड पे आ गया और एक इस साइड पे आ गया। तो इसका मतलब है कि बीच में आपके पास काफ़ी जगह है जिसके अंदर आप एक और पैड्स रख सकते हैं। अगर आप कीपिंग का सामान रखना चाहें तो वो भी पूरा इसमें फिट आ जाएगा, अंदर जगह पूरी हो जाती है और आपको कीपिंग का ग्लव अपना या अपना नॉर्मल ग्लव्स को उठा के रखना है तो वो फिर आप इस वाली पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे भी अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट किट बैग है, डफल बैग है। अब अगर आप इसको पीछे से देखते हैं तो यहाँ पे हमने इसके अंदर व्हील्स भी लगाए हुए हैं, मतलब इसके अंदर थ्री व्हील्स वाला आता है कि अगर टू व्हील्स होते थे तो वो बैग थोड़ा सा डिसबैलेंस होता था, लेकिन थ्री व्हील्स हमने इस पर लगाए हैं कि अब आपका बैग जो है वो इतना डिसबैलेंस नहीं होगा और अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। तीन व्हील्स हमने टॉप क्वालिटी के लगा दिए, उसके साथ हमने इसके अंदर स्ट्रैप्स भी दिए हुए हैं कि अगर आप इसको डफल बैग की तरह यूज़ करना चाहें तो डफल बैग के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कैरी करना चाहें तो आप इस यहाँ पे एक होल्डर दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको कैरी कर सकते हैं व्हील्स के साथ। तो ये मैं आपको नीचे से दिखाना चाह रहा था कि इसके व्हील्स भी आपको सही तरह दिख जाएँ। तो ये देखें, इसके अंदर थ्री व्हील्स हमने लगाए हुए हैं और ये एक हमने एक बेस दिया हुआ है और एक हमने यहाँ पे इसके स्पेस दिया हुआ है जिससे एक तरीके से आप जब अपना बैग इसको रखते हैं तो बैग जो है बिल्कुल सीधा खड़ा हो सके, तो वो बिल्कुल अच्छे एक एंगल भी हमने दिया हुआ है कि अगर आप बिल्कुल बैग को सीधा भी खड़ा करें तो वो आराम से आपका बैग जो है वो स्ट्रेट खड़ा हो सके। तो ये हमारा मार्कोर का बैग था और इसको अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे नंबर्स व्हाट्सएप के वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप आप हमें डायरेक्टली कर सकते हैं और अपना नेम, नंबर और एड्रेस बता सकते हैं तो हम आपको ये डायरेक्ट होम डिलीवरी करवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी, जाहिर है अगर किसी को पहले पेमेंट नहीं करनी और जब सामान रिसीव होने के बाद पेमेंट करनी है तो वो आराम से हमसे कैश ऑन डिलीवरी पर ये बैग मंगा सकता है। और इवन कि कोई बंदा हमें चाहे कि हमें बैंक ट्रांसफ़र करना है या जैस कैश करना है तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और अगर और भी कोई प्रोडक्ट्स आपको देखने हैं तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।